हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिली की लाइफ। तो आज है संडे और अभी टाइम घड़ी में आप देख सकते हो, शायद मुझे अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा, 11:30 बज रहे हैं। हाँ, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नहा कर आई हूँ और वही कंघी वगैरह किया, तो क्रीम वगैरह लगा कर हाथ में थोड़ा सा बॉडी लोशन ही लगा रही हूँ, तो हाथ थोड़े से ड्राई हो रहे थे, तो कंघी वगैरह सब हो चुका है। और मुझे आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, संडे है आज और थोड़ा सा मेरा पता नहीं मूड ऑफ हो रहा था या तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, अजीब सा होता ना कभी कभी, कुछ एनर्जी नहीं होती है उस टाइप का। तो बस यहाँ पर मतलब कंघी वगैरह करके मैं छत पर आई हूँ थोड़ा सा धूप में आने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि मैं धूप में बैठूँगी ना, तो कभी कभी लगता है थोड़ी देर धूप में बैठे तो अच्छा लगता है। तो अभी नहाकर भी आई हूँ तो मीठी धूप बहुत अच्छी मीठी मीठी धूप लग रही थी, और आज जो है बहुत कड़ा धूप भी नहीं है, आप देख ही सकते हो हल्की हल्की धूप निकली है। तो ऐसे ही मैं आ गई हूँ छत पर कि थोड़ी 5-10 मिनट बैठूँगी। तो यहाँ पर धूप में रहने में ना बहुत अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि यहाँ हटके नहीं जाऊँ, तो यहीं से मैं चारों तरफ देख रही थी कि क्या क्या चारों तरफ क्या क्या चल रहा है। तो वैसे हमारे मेरे घर के आसपास में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पीछे के साइड तो खेती ही है पूरा, मतलब मैदान टाइप का है, पहले तो खेती होती थी अभी तो बहुत कम हो गई है, तो यही सब मैं चारों तरफ देख रही थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं छत पर आई हूँ, नहा कर आई हूँ, तो थोड़ा सा मन किया कि छत पर बैठ जाऊँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है छत पर बैठते हुए, और पीछे धूप किया है कि फेस पे भी ना लगे और सब बॉडी में भी थोड़ा सा धूप लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बैठना चाहिए धूप में, सभी को भी धूप की ज़रूरत होती है, और ठंड वाली तो नहा कर आने के बाद तो मन करता है कि हाँ बैठ जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, 5-10 मिनट ही बैठूँगी, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। मैं ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, कभी कभार मन हुआ तो ऐसे बैठ गई, तो वही आई थी। और अकेले क्या बैठना, कोई और बैठता है तो अच्छा भी लगता है, तो क्योंकि अभी सब अपने अपने काम में बिजी है, पापा अपने काम में, मम्मी अपने काम में, अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, हस्बैंड भी कुछ काम से बाहर गए हैं, बाहर मतलब हमारे एरिया में ही है। तो मैं अभी नहाकर सारे काम ख़त्म करके छत पर आई थी थोड़ी देर बैठने के लिए, तो फिलहाल बैठी हुई हूँ। और आज कोई ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, नॉर्मल वाली धूप निकली है, तो आराम से बैठ सकते हैं 5-10 मिनट। और यहाँ से दिख रहा होगा हमारे घर के सामने ही मेन रोड है, दुमका सिवड़ी मेन रोड होता है यहाँ का, है झारखंड का दुमका, जो मेरा मायके है और सिवड़ी मेन रोड है यहाँ से। तो आप लोग बताना ठंड में कौन कौन बैठते हो, सभी को ही बैठते होंगे छत पे, और अच्छा लगता है ना धूप में बैठना। बस तो थोड़ी देर बैठती हूँ फिर मैं नीचे जाऊँगी, खाने की तैयारी करना है, तो आज चिकन बनेगा, तो देखते कौन बनाएगा, मैं तो नहीं बनाती, मैं सारी तैयारी कर लूँगी। माँ वैसे सब्जी वगैरह काट रही है, साग बनेगी साथ में, तो वो साग वगैरह जो है साफ कर रही हैं, तो बस चिकन और चावल बनेगा, कुछ खास नहीं है। देखते हस्बैंड बनाएंगे या माँ बनाएंगी, हस्बैंड ही शायद बनाएंगे, वो आज उनकी छुट्टी है, संडे है, घर पर है, तो वही बनाएंगे। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ और यहाँ पर अभी ट्यूशन पढ़ रहा था, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया, नहीं तो फिर उसका ध्यान इधर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, तो पहले अभी चाय बनाऊँगी और सब मतलब ट्यूशन सर को दे दूँगी, तो यहाँ और चाय बनाने के मतलब चाय देने के बाद यहाँ पर देखिए माँ ने साग काट दिया था और ये प्याज वगैरह भी माँ ने ही कट कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैं जो है साग मतलब छौंक रही हूँ, तो यहाँ पर लहसुन दिया है और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च दी है, तो बस ये साग को छौंक दूँगी। तो यहाँ पे लहसुन देख सकते हो कि पूरी तरह से लाल हो गई है, और यहाँ पे बस मैंने ये इसको जो है हमारे यहाँ पुनका साग बोलते हैं, पता नहीं और आप लोग क्या बोलते होगे, हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको पुनका साग बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस ये थोड़ी सी साग है और बनने के बाद तो और भी थोड़ी हो जाएगी। तो और चिकन या नॉनवेज कुछ भी हो, तो मेरे घर में मतलब साइड में और कुछ नहीं चाहिए, वो काफ़ी है। तो फ़िलहाल अभी साग थी तो वही हम लोगों ने बना दिया, और यहाँ पर चावल भी मेरी लगभग पक ही चुकी है, तो मैंने कढ़ाई वगैरह धोकर सारी मतलब खाली कर दिया कि हस्बैंड आएंगे तब फिर वो बना लेंगे। तो मेरा काम तो किचन से ख़त्म, मेरा जो खाना बनाना था मैंने चावल और साग बना दिया है, और चिकन की तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस हस्बैंड का वेट हो रहा है कि वो आ जाए, फिर वो चिकन बनाएंगे। मेरी छुट्टी अब हस्बैंड को किचन में लगाना है, आज उनकी छुट्टी है तो थोड़ा सा किचन में होना भी चाहिए ना। तो देखिए अभी 12:40 हो गए हैं, अब कब आते हैं, उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, पर आधे घंटे हो गए अभी तक वो आए नहीं हैं, तो आएंगे तो आधे घंटे में बन जाएगी, अभी लेट है हमारे खाने में,
हम 2 बजे ही खाते हैं, वो डेली की मतलब रूटीन हो गई है 2-2.5 बजे हमारा खाना, क्योंकि हस्बैंड उस टाइम में ही आते हैं तो उसी टाइम में ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए हस्बैंड आ चुके हैं और वो मतलब चिकन बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। तो उन्होंने तेल में बहुत कुछ खड़ा मसाला टाइप दिया था, जीरा मतलब जीरा दिया है, सूखी मिर्च दी है, तेज पत्ता दिया है, लौंग, इलायची और ये सब क्या क्या उन्होंने दालचीनी ये सब दिया, उस प्याज दिया, प्याज को फ्राई किया और चिकन को फिर फ्राई किया और यहाँ पर उन्होंने टमाटर दे दिया है। और उसके बाद वो फिर ये सब फ्राई करने के बाद मसाला वगैरह देकर फ्राई करते हैं। वैसे वो 2-3 तरह से बनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, जब भी उनका जैसा मन होता है वो चेंज करके बनाते ही रहते हैं। और जब भी वो घर में रहते हैं, छुट्टी रहते हैं, तो वही नॉनवेज कुछ भी बने ना तो वही बनाते हैं। और पिकनिक हम लोगों ने पिछले मतलब किया था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने ही बनाया और कुछ भी होता है तो वही बनाते हैं। मैं बनाती नहीं हूँ और मम्मी पापा फिर कभी कभी बनाते, वो ना रहे तो बनाते, कभी कभी हमारे घर में मेरे ससुर जी भी बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है हस्बैंड लोग मतलब हमारे घर में जेंट्स जितने भी हैं बस नॉनवेज बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ नॉनवेज में, और बाकी सब्जियां ना बनाए, लेकिन हाँ नॉनवेज बनाते ही हैं। तो वहाँ पर हस्बैंड ने बना लिया और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुझे टेस्ट करने के लिए दिया था पानी डालने के पहले कि नमक या तीखा कुछ भी चेक कर लो। तो तीखा तो हमने पहले ही कम दिया था क्योंकि अबीर के लिए निकाला था, तो वहाँ पर हमने मतलब थोड़ा सा निकाल लिया। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची कुछ कट करके दे रही हूँ ताकि हम लोग के लिए तीखा हो जाए, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा स्पाइसी और तीखा खाते हैं। तो अबीर के लिए मैंने पहले निकाल लिया और यहाँ हरी मिर्च कट करके मैं रख रही हूँ क्योंकि इसमें पानी में डाल दूँगी, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो खाने में थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो फाइनली यहाँ देखिए चिकन पूरी तरह से रेडी है, और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और खाना पीना सब हो चुका है। तो चिकन आप लोगों ने देखा कैसा बना था और टेस्टी बना था, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने खा लिया और अभी मैं ऊपर आई हूँ, बस ऐसे ही लेटी हुई हूँ और थोड़ा सा मोबाइल में टाइम पास कर रही हूँ। तो आज कोई वीडियो नहीं है अपलोड करने के लिए, तो ऐसे ही मोबाइल में थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। तो ठीक है, अभी शाम को मिलते हैं। तो वैसे तो मैंने बोला कि मैं शाम में मिलती हूँ, पर यहाँ पर हस्बैंड ऊपर आए तो उन्होंने बोला क्या कर रही हूँ, तो मैं बोला ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तो अचानक से मुझे याद आया कि आपके पास न्यू मूवी पुष्पा रखी हुई ना, तो चलाइए तो मूवी देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारी बातें हो रही थी, तो हस्बैंड यहाँ पर उन्होंने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र, मैं उनके पेन ड्राइव में था तो उन्होंने टीवी में लगा दिया और यहाँ पर लाइट ऑफ कर दिया। पर अफसोस, बहुत शौक से हम लोग मूवी देखने बैठे थे बहुत दिनों के बाद, पहले तो सैटरडे या संडे को हम लोग देखते थे, पर अब वो मूवी चली नहीं और पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर अबीर भी आ चुका है और वो बैठ गया अपने पापा के साथ स्पाइडर मैन देखने। तो बस दोनों बाप बेटे मिल गए हैं हॉलीवुड मूवी देखने, और हस्बैंड को भी हॉलीवुड की मूवी बहुत पसंद आती है और अबीर भी इस टाइप की मूवी देखता है जो होता है ना, मतलब स्पाइडर मैन, ही मैन, इस टाइप वाली मूवी वो देखता है। तो बस दोनों बाप बेटा तो देखने बैठ गए और अब मैं उठ गई हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। तो एक दो काम है मेरे छोटे मोटे और चाय वगैरह बनानी है तो उसके लिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि देखने तो मैं आई पर मूवी कोई और देखने लगा, तो बस यहीं पर है, वही सब चल रहा है। और मेरी बात करें तो मुझे हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी भी उतनी पसंद नहीं आती। बॉलीवुड एक आध मैं देख भी लूँ, पर मुझे साउथ इंडियन जो मूवी होती है ना बहुत पसंद आती है, मुझे वो सब मूवी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो बस यहाँ पे कंघी वगैरह कर लिया, अब नीचे जाऊँगी चाय बनाने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी 5 बज चुके हैं और मैं आई हूँ किचन में, यहाँ दूध गर्म हो रहा है और यहाँ चाय बन रही है। तो मैं भी चाय बना रही हूँ हम लोगों का, हम लोग आज चारों एक साथ चाय पियेंगे, संडे है इसलिए हस्बैंड भी घर में है, तो नहीं तो फिर अब इस टाइम पे 3 कप चाय मैं बनाती थी। तो हस्बैंड ऑफिस में रहते थे, वो आते थे फिर उनके लिए फिर चाय बनाती थी। तो अभी फ़िलहाल वो है तो ऊपर टीवी देख रहे, दोनों बाप बेटे मिलकर टीवी देख रहे थे, मैं गई थी टीवी देखने पर मूवी चली नहीं। न्यू मूवी है ना, मतलब आलू अर्जुन जो एक्टर है उनके न्यू मूवी है पुष्पा, वो मुझे देखने गई थी। अचानक से हस्बैंड बोला कि मेरे पास रखी हुई है, तो मैंने बोला ठीक है पेन ड्राइव में रखी हुई तो अब चलाइए देखते हैं, पर वो टीवी में चली ही नहीं पता नहीं क्यों, पेन ड्राइव शायद सपोर्ट नहीं किया। फिलहाल मैंने मोबाइल में कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम पास किया और आज कोई ब्लॉग भी मेरा नहीं जाएगा, संडे है
कोई मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ मतलब वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने बनाया नहीं। तो आज तो कोई ब्लॉग गया ही नहीं, जाएगा भी नहीं, नहीं तो इस टाइम में मैं ब्लॉग वगैरह एडिट करती हूँ। तो छोड़िए, कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, सबको चाय देती हूँ। चाय में उबाल आ चुका है तो उसमें मैं दूध डाल दूँ। और आज ठंड मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, कल जितनी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल है, ज़्यादा ठंड नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो न्यूज़ वगैरह में बोल रहे थे आज बारिश भी होने वाली है, हो सकती है 2-3 दिन में। तो मौसम उस टाइप का ही लग रहा है, बादल छाए हुए हैं। और मैं किचन से बाहर से किचन कर रही हूँ क्योंकि इस साइड में दूध उबल रहा है और इस साइड में चाय बन रही है, इसलिए तो ठीक है, पहले चाय पीती हूँ। ठीक है, तो अब जो है शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर मतलब आज खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनाना है क्योंकि जब भी जिस दिन भी हमारे यहाँ नॉनवेज वगैरह बनता है ना, तो रात में हम लोग हल्का खाना खाते हैं क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाने के बाद उतना मतलब खाने की भूख नहीं रहती। और हमारे यहाँ संडे के मैक्सिमम टाइम में ऐसे होता है कि जब भी नॉनवेज बनता तो स्पेशल कुछ खाना नहीं बनता, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अबीर को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, तो उसके बाद जो है बहुत सुबह से अबीर बोल रहा था कि मुझे निमकी खानी है, तो वो दादाजी को अपने दादाजी को बोल रहा था कि दादाजी बना दीजिए। तो बस पापा अभी जो है वो कट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ निमकी को छानने के लिए। तो यही पापा कट करके दे रहे हैं और बहुत अच्छे से पापा बना देते हैं, बहुत अच्छे से कटिंग कर देते हैं। तो बस ये वही मैं यहाँ पर छाँक रही हूँ। और अबीर को बहुत पसंद है खाने में, वैसे तो हम लोग सबको ही पसंद है। तो वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।